हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेई मेन का बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन है लेट पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दीस लाइंस। बेटा दो लाइंस पता है इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा मैं। बेटा अगर कोई पॉइंट पता आपको एक्स वन कॉमा वाई वन एंड बेटा एक लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बेटा बेटा अगर पॉइंट से लाइन का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा आपको फाइंड आउट करना है अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा आप पॉइंट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। बेटा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ऑल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। बेटा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे डिवाइड में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट से आप डिवाइड करोगे। बेटा ये हमारा पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस। देखो बेटा क्वेश्चन में गिवन है पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन से एंड क्यू भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है बेटा फ्रॉम ओरिजिन से। बेटा ओरिजिन पॉइंट पता है बेटा हमें ओरिजिन से फर्स्ट लाइन का जो डिस्टेंस है बेटा फर्स्ट लाइन हमें लिखी गई है एक्स कोसेकेंट अल्फा माइनस वाई सेकेंट अल्फा इज इक्वल टू टर्म। बेटा इसका जो डिस्टेंस है एक्स कोसेकेंट अल्फा माइनस वाई सेकेंट अल्फा माइनस के कॉट टू अल्फा बेटा फर्स्ट लाइन है ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना एंड बेटा सेकेंड लाइन कुछ किसी भी तरफ ड्रॉ आ जाएगी सेकेंड लाइन कुछ इस तरफ है। बेटा सेकेंड लाइन इक्वेशन है एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा माइनस के साइन टू अल्फा जीरो। बेटा ये डिस्टेंस पी गिवन है और ये वाला डिस्टेंस क्यू। बेटा एक डिस्टेंस पी है दूसरा क्यू है। बेटा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। बेटा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे ओरिजिन से जो मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिखवाया ये पॉइंट बेटा इसमें सब्स्टिट्यूट करो पी इज इक्वल टू बेटा पी इज इक्वल टू टर्म आ जाएगी आपके पॉइंट पुट करोगे बेटा 0 इनटू कोसेकेंट अल्फा कोसेकेंट अल्फा माइनस 0 इनटू सेकेंट अल्फा माइनस के कॉट टू अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मींस अंडर रूट ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस सेकेंट स्क्वायर अल्फा। बेटा आपके पास बेटा पूरी टर्म के ऊपर मॉडुलस लगाओगे सो दैट पॉजिटिव आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। नाउ बेटा 0 इनटू एनी नंबर 0 इनटू एनी नंबर खत्म हो जाएगा बेटा इस तरफ बचेगा बेटा माइनस के कॉट अल्फा माइनस के कॉट अल्फा। बेटा हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी एंड जो बेटा रिमेनिंग टर्म देखो बेटा स्टेप चेक करते हैं इस तरफ लिखता हूं पी इज इक्वल टू जीरो जीरो टर्म खत्म बेटा के कॉट अल्फा बेटा नेगेटिव टर्म क्योंकि मॉड है पॉजिटिव हो जाएगी के कॉट टू अल्फा होल डिवाइडेड बाय बेटा कोसेकेंट स्क्वायर को आप लिख पाओगे अंडर रूट ऑफ 1 by sin square alpha plus under root of 1 plus sin square alpha plus secant square alpha को बेटा 1 by cos square alpha बेटा आप इस टर्म को लिख पाओ। देखो बेटा बेटा इसमें LCM लगाओगे अगर आप P is equal to K cot alpha cot 2 alpha बेटा आप LCM यूज करोगे टर्म बनेगी बेटा आपके पास LCM लगाने के बाद साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर अल्फा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा न्यूमिनेटर में बेटा कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बेटा कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा आपके पास हो जाएगा दिस टर्म इज वन बेटा ये टर्म वन हो जाएगी नीचे अंडर रूट खत्म हो जाएगा टर्म बेटा ऊपर चली जाएगी बेटा मीन्स आपके पास जो टर्म बनेगी पी इज इक्वल टू कॉट टू अल्फा इन टू बेटा ये वन हो गया नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बन जाएगा बेटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बेटा देखो अगर मैं इसे टू से मल्टीप्लाई करूंगा ये साइन टू अल्फा भी बन जाएगा एंड स्टेप चेक करते हैं बेटा इस जगह को स्टेप देखो बेटा पी के बेटा कॉट टू अल्फा को आप लिखोगे कॉस टू अल्फा अपॉन साइन टू अल्फा इंटू बेटा इस टर्म में अगर हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें बेटा यहां पे
टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बेटा, न्यूमिनेटर में डायरेक्टली फॉर्मूला बताया, साइन टू अल्फा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, साइन टू अल्फा डिवाइड में बेटा हमारे पास टू रिमेनिंग बचेगा बेटा, साइन टू अल्फा कैंसल, साइन टू अल्फा बेटा कैंसल हो जाएगा बेटा, जो नीचे वाला टू है इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, टू को मल्टीप्लाई करोगे बेटा आपके पास टू पी इज इक्वल टू के कॉस टू अल्फा आ जाएगा बेटा, टू पी को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास टर्म जो बचेगी बेटा टू पी इज इक्वल टू के कॉस टू अल्फा, टू पी इज इक्वल टू के कॉस टू अल्फा, ये हमारे पास बेटा 2p की वैल्यू आ गई है, 2p इज इक्वल टू k cos 2α। नाउ बेटा सेकंड टर्म करते हैं हम डिस्कस, ओरिजिन से सेकंड लाइन जो बेटा हमारे पास गिवन है, ओरिजिन से जो सेकंड लाइन गिवन है इसका डिस्टेंस बेटा क्यों के इक्वल है, ये p वाली वैल्यू आ गई बेटा, सेम बेटा हम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू क्यों लिखेंगे बेटा टर्म को, देखो बेटा p बेटा सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्यू इज इक्वल टू बेटा क्यू के इक्वल गिवन है, ओरिजिन से डिस्टेंस करेंगे बेटा जीरो साइन अल्फा, जीरो साइन अल्फा, जीरो कॉस अल्फा माइनस के कॉस माइनस के साइन टू अल्फा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस, बेटा पूरे टर्म के ऊपर मॉडुलस है, Q इज इक्वल टू बेटा जीरो जीरो खत्म हो जाएगा बेटा, इस तरफ बेटा बचेगा आपके पास K साइन टू अल्फा बेटा, डिवाइड में तो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है वन बन जाएगा बेटा, बेटा हमारे पास टर्म आ गई Q इज इक्वल टू K साइन टू अल्फा मीन्स बेटा हमारी रिमेनिंग बेटा हमें साफ दिखाई दे रहा है, हमें वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करनी है K स्केयर बेटा, K स्केयर वैल्यू स्केयरिंग करेंगे बेटा इस टर्म की, बेटा इस पार्ट में स्केयरिंग करो आप, स्केयरिंग करोगे अगर आप फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म बेटा दोनों टर्म्स की आप स्केयरिंग करो, स्केयरिंग करोगे बेटा अगर आप वन स्केयर प्लस टू स्केयर आपके पास आ जाएगा, वन स्केयर प्लस टू स्केयर बेटा, वन स्केयर बन जाएगा फोर पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर कॉस स्केयर टू अल्फा, k स्केयर साइन स्केयर टू अल्फा, साइन स्केयर टू अल्फा बेटा दोनों टर्म से k स्केयर कॉमन हो जाएगा, इंटरनल टर्म बचेगी बेटा cos स्केयर टू अल्फा प्लस साइन स्केयर टू अल्फा बेटा, साइन स्केयर प्लस cos स्केयर सिस्टम के इक्वल आ जाएगा बेटा वन, मींस बेटा हमारे पास k स्केयर वैल्यू आ जाएगी, k स्केयर इज इक्वल टू फोर पी स्केयर प्लस q स्केयर बेटा, k स्केयर वैल्यू हो जाएगी फोर पी स्केयर प्लस q स्केयर means बेटा ये हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर सकते हैं बेटा 4p square plus q square, ऑप्शन सी बेटा हमारा फाइनल, ऑप्शन सी बेटा हमारा फाइनल, थैंक यू स्टूडेंट।